चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं एनआईटी भोपाल की सोहनी घोष से जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और ये मैजिकल कैप्सूल कोर्स की स्टूडेंट थी कई बार आप लोग बच्चे पूछते हैं जब मैजिकल कोर्स स्टार्ट होता है कि सर इतने कम समय में रिजल्ट आ सकता है कि नहीं तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है तो सबसे पहले तो बेटा आपको एनआईटी भोपाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं तो आपने क्योंकि जैसे मैजिकल कोर्स से पढ़ा था उसके पहले यूट्यूब से वीडियो भी देखे थे yes, गुरुकुल के हाँ. तो मैं चाहूंगा कि आपने इस कोर्स का इतने कम समय में कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया किस ढंग से टेस्ट पेपर देते थे थे और एनालिसिस कैसे करते थे, वो जरूर yes. बताइए क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है पर ऐसा नहीं है अगर ढंग से मेहनत की जाए तो पॉसिबल है तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर बताइए हेलो एवरी माई नेम इज घोष एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बेंगल बेसिकली आई एम फ्रॉम बी एस सी बैकग्राउंड एंड देन आई डिसाइडेड जब मुझे एम करना है तो मुझे पहले पता नहीं था मुझे कैसे करना है क्योंकि थोड़ा पैनिक में था क्योंकि मेरा वन वन ईयर जॉब है तो फिर मुझे सैर के बारे में पता चला इम्पेटस गुरुकुल के बारे में पता चला और मुझे पता चला सैर के मैजिकल कैप्सूल कोर्स के बारे में तो पहले तो बहुत मैजिकल टेस्ट सीरीज थ्री मंथ्स के होते हैं तो उसके पहले थ्री मंथ्स मैंने प्रिपरेशन किया सेल्फ प्रिपरेशन एंड उसके साथ साथ मैं मैंने इम्पेटर्स गुरुकुल के जो जो यूट्यूब में वीडियोस आते थे हर एक चैप्टर्स की मैथमेटिक्स एक्टिट्यूड हर एक चैप्टर्स की जो जो वीडियोस आते थे मैं उसको फॉलो करती थी एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने बुक्स से सॉल्व किया बट ऐसा नहीं बुक्स सॉल्व किया मतलब बहुत सारे बुक्स से सॉल्व किया पर्टिकुलर एक, एक मैं जैसे मैथ्स मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ्स में एक ही पर्टिकुलर बुक्स ली और उसी बेसिस में सॉल्व करते रही और फिर जब मैंने मैजिकल कैप्सूल में एनरोल किया एंड एन उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट हर एक मैंने हर टेस्ट सीरीज में किए हूँ और टेस्ट सीरीज से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं टेस्ट के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एनालिसिस करना तो जब एनालिसिस के टाइम आई मैंने ऐसा एनालिसिस जैसे लग मैंने जो हेल्प किया है मेरे इस टेस्ट में टाइम पहले पैरित था टाइम मैनेजमेंट तो मुझे पता चल गई कि कौन सी पोर्शन में मुझे कितने टाइम देना होगा जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस के क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो मैथ्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा रहना चाहिए उसके बाद एप्टीट्यूड हो होता है एंड देन कंप्यूटर और इंग्लिश तो रहता ही है तो जैसे मैथ में मैं सॉल्व किया जैसे मैथ ऐसा हो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ, आ रहा था जो सही उसके आंसर करेक्ट हो रहा था बस अगर टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा था तो उसके बाद मैंने वो देखा जो मेरा प्रोसेस मैंने कौन सी प्रोसेस में किया एंड वो देखने के बाद मैंने सैर के भी जो वीडियोस आती थी एनालिसिस का वो देखा उसमें सैर का टेक्निक जो है वो ने वो देखा एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ जब मेरा जो प्रोसेस था वो सही नहीं था हाँ हो सकता है मेरा आंसर सही था बट मेरा प्रोसेस सही नहीं था जिसके लिए मुझे टाइम बहुत लग रहा था तो वो चीज बिल्कुल माइंड में रखना है जैसे टाइम कंज्यूमिंग कौन सी क्वेश्चंस में लग रहा है और कौन सी प्रोसेस में करना होगा लाइक like, ऐसा होता है क्वेश्चन जब क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं एग्जाम के टाइम ऐसा होता है एक क्वेश्चन हमने रीड किया और मुझे लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन मेरे से अभी आंसर नहीं होगा तो वो माइंड में रखना जे मुझे उस टाइम के लिए वो क्वेश्चन स्किप करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है मुझे सही से मैं अटेम्प कर सकती हूँ बट एक क्वेश्चन के लिए मैं बाकी क्वेश्चन को भी छोड़ दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तो पहले क्वेश्चन को देख लो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है जो मुझे सॉल्व करना हो जाएगी मेरे से तो पहले वो कर लो क्योंकि नीमसे, क्योंकि निम्सित एग्जाम के मुझे मेनली ये फोकस रखना होगा मुझे कम समय में जितने क्वेश्चन हो कर सकते हो एक्यूरेटली क्योंकि उसमें मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए तब भी जाके मेरा रैंक सही होगा

अच्छी और इंपॉर्टेंट बातें बताई गई सबसे पहले तो ये कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम मैथ्स का जैसे आपने भी बोला कर लेते हैं पर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक मतलब कम समय में करना है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए एक्यूरेसी क्या होना चाहिए सब बातों पे ध्यान दिया और मैं हमेशा बोलता हूं आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे ना प्रॉब्लम नहीं है पर बिना टेस्टिंग के सेल्फ स्टडी का फायदा नहीं होता तो जैसे आपने लास्ट टाइम में पढ़ाई भी करी टेस्टिंग भी दी एनालिसिस किया उसी का एक अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा स्पेशली वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं आप सेल्फ स्टडी करते हैं नो इश्यू पर आप टेस्टिंग जरूर करिए और उसके बाद एनालिसिस करिए अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं क्लासरूम कोर्स से जुड़े अलग बात है पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए तो आप लास्टली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जूनियर्स को स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किए उनके लिए क्या मैसेज होगा और वो किन किन बातों का ध्यान रखें जो ने जिन लोगों ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया बिल्कुल पैनिक मत करो ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम तो पैनिक होता ही है मेरे भी होता था बट ये कोई, कोई बात नहीं पैनिक को साइड में रख के आपको फेस माइंड में रखना है प्रिपरेशन में आपको फोकस करना है और जिन लोग जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी कर रही हो ऑब्वियसली उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी मेजिकल कैप्सूल ज्वाइन करो क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज हर एक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट करो और उसको एक्यूरेटली आप लोग फोकस करो जो मुझे सही से करना है और इसलिए बताओ कि पैनिक ना करने के लिए और जो जो कोई डाउट हो रहा है कि एनालिसिस के बेसिस में सर के वीडियोस आते रहते हैं और बहुत सारे ऐप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होगा तो आप लोग ध्यान से उसको फोकसली आपको देखना है और साइड में बुक्स भी आपको रखना पर, रखना होगा क्योंकि जिसमें आपको फील हो रहा है आप इस पोर्शन में वीक है उसको वीडियोस के साथ साथ आपको बुक्स भी और भी प्रैक्टिस करना होगा सो so, एग्जाम में अभी भी दो महीने टाइम है तो जिन लोगों ने ले स्टार्ट किया मैं बताऊंगी आप लोग हर करोगी तो वो होगी टेस्ट सीरीज आप डेली दे, बेसिस में प्रैक्टिस करोगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे ही आएगा थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपने जो मेहनत करी देखो आपको मेहनत का रिजल्ट भी मिला अब ऐसे ही मेहनत में मेहनत करके और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी लेना ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू